और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे न्यूयॉर्क, जिस चीज का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार हर कोई कर रहा था, खासतौर पर भारत के लोग, क्योंकि इस दौरे की चर्चा हो रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि 3 दिन के राजकीय दौरे पर, पहली दफा राजकीय दौरे पर पहुंचे, और वो भी जब आमंत्रण उन्हें मिला था जो बाइडेन की ओर से। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। दुनिया के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया, और बदलते हुए भारत की तस्वीर में सुपर पावर चमक नजर आने लगी है। न्यूयॉर्क में देखिए डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अदिति नागर और इस वक्त मैं अमेरिका में मौजूद हूँ। पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद की नज़रों से देख रही है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में भी नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं, और पूरा अमेरिका उन नारों से गूंज उठा है। दुनिया के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया, और इस बदली हुई तस्वीर में भारत एक चमकते हुए सुपर पावर की तरह नजर आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच सुपर पावर डील हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच ये डील दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील मानी जा रही है, क्योंकि भारत अब खुद लंबी मार की मिसाइल और बम का उत्पादन करेगा। भारत अमेरिका के बेहतर होते रिश्तों से चीन और पाकिस्तान का दम सूख गया है। चीन से पहले ही भारत ने कई बड़ी कंपनियां छीन ली हैं, तो पाकिस्तान से भी होंडा और मारुति जैसी दिग्गज कंपनियों ने बोरिया बिस्तर समेट दिया। ऐसे में भारत और अमेरिका के समझौते से दुश्मन देशों की जान हलक में आ गई है। अमेरिका और भारत के बीच सुपर पावर डील होने जा रही है। अमेरिका और भारत के बीच इस डील से माना जा रहा है कि ये दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील होगी। क्यों? क्योंकि भारत अब खुद बम और मिसाइल का उत्पादन करेगा। अमेरिका और भारत के बढ़ते इन रिश्तों से दुश्मन की हलक में सांस अटक गई है। चाहे बात करें चीन की और पाकिस्तान की, दोनों के ही माथे पर चिंता नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान से मारुति और जो बड़ी कंपनियां हैं वो पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी हैं, तो चीन से तो भारत ने पहले ही कई बड़ी कंपनियां छीन ली थी। ऐसे में अब दुश्मन देशों की हलक में सांसें अटकती नजर आ रही हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है, न्यू इंडिया अब सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। भारत बुलंदी की ऐसी ताबीरें लिख रहा है जिससे भारत की तरफ नजर उठाने वाले दुश्मन देशों की तकदीर की लकीरें मिट जाएंगी। पीएम मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा ऊंचा कर दिया, जिसके साए में आकर दुनिया खुद को भारत के साथ जोड़ना चाह रही है, क्योंकि दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बॉस मान चुकी है। तस्वीर साफ हो चुकी है, न्यू इंडिया अब दुनिया की सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा है। भारत बुलंदियों की ऐसी ताबीर लिख रहा है कि कोई भी दुश्मन देश अगर भारत की ओर आंख उठाकर देखता है तो उसकी तकदीर की लकीरें मिट जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे की शान को और बढ़ा दिया है, और जिसके साए में पूरी दुनिया आकर खड़ा होना चाहती है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस मान लिया है। लाया गया है उन तमाम लोगों को, पहले ही गेस्ट लिस्ट से तमाम लोगों को इनवाइट कर लिया गया था, वही सिलेक्टेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वही सिलेक्टेड लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से बुलाया गया है। कोई गुलाब देने वाला है, तो कोई उनको चुन्नी पहनाने वाला है, तो कोई उनको शॉल से नवाजेगा, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो घर से, हालांकि क्योंकि सिक्योरिटी के इतने ज्यादा इंतजाम है कि ऐसा नहीं है कि जो भी कोई कुछ खाने को लेकर आए, लेकिन यहाँ पे रह रहे इंडियंस, जब मैंने पहले जब मैं होटल में एंटर कर रही थी तो वहां पे अपने हाथ से बने बूंदी के लड्डू भी लेकर आए, जिसमें कलरफुल भी, यानी कि जो तिरंगे के रंग की बूंदी भी थी। तो तमाम अलग अलग तरीके के जेस्टर्स जो है, कोई गणेश जी की छोटी सी मूर्ति लेकर आया है, तो कोई थैंक यू का कार्ड, फ्लैग कार्ड लेकर आया है, और सिक्योरिटी के चलते हम वो सारी तस्वीरें पहले लेना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी
बिल्कुल अरिति, ये दौरा कितना अहम हो जाता है? हालांकि पीएम मोदी इससे पहले भी बतौर प्रधानमंत्री 5 से 6 बार अमेरिका जा चुके हैं, किन मायनों में ये दौरा अहम है और साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर क्यों टिकी हुई हैं? महत्वपूर्ण सवाल जिस पे बात करनी जरूरी है। पहला, हम इसको पहला लॉजिकल लिहाज से बात करेंगे, फिर हम उसको राजनीतिक लिहाज से बात करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दौरा है, इस पर पूरी दुनिया नजरें इसलिए क्योंकि जिसको पूरी ये है क्योंकि पहला जिसको पूरी दुनिया ताकत मानती है, जिस कंट्री को, अमेरिका को, जिसको पूरी दुनिया ताकत मानती है, वो भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहता है। वो अमेरिका जो हमेशा, अगर हम डिफेंस की बात करें, दो बड़ी डील होने वाली है, दो बड़ी डील अगर हो जाती है तो भारत इस मामले में एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो अपनी टेक्निक, खास तौर पे डिफेंस टेक्निक को किसी के साथ साझा करेगा। कभी ऐसा नहीं सोचा गया था कि वो कभी किसी से साझा करेगा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ वो अपनी, जैसे बोलते हैं कि जेट एयरवेज के इंजन बनाने की टेक्निक को साझा कर रहा है। अगर जो दो खास, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस डील होने वाली है, अगर ये हो जाती है तो इसका मतलब जो यहाँ की अमेरिकन कंपनी है वो अपनी टेक्निक भारत के कंपनी को देगी और भारत में वो जेट इंजन, जो अमेरिकी इंजन है, वो बनाए जाएंगे। यानी कि भारत आत्मनिर्भर होगा, जिसका विश्वास, जिसका आश्वासन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए, यानी कि भारत मेक इन इंडिया के जो पिलर हैं, जो पैर हैं, वो और सशक्त होंगे। दूसरी बड़ी बात है, इससे क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी, भारत में तमाम और तरीके की चीजें होंगी। देखिए, जब कोई भी देश डिफेंस के लिहाज से सशक्त होता है तो वो अपने आप में एक अलग परचम पर पहुंचता है। अगर ड्रोन्स की, जो दूसरी पॉलिसी है ड्रोन्स को लेकर, अगर ड्रोन्स हम खरीद लेते हैं, अमेरिकी ड्रोन्स को खरीदा जाता है, तो आप देखिए कि 12,000 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है। ऐसे में जो पूरा हिमालयन रीजन है, इंडो पाक का इलाका है, खास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ चाइना है, यहाँ पर भारत अपने आप को सिक्योरिटी के लिहाज से सशक्त करेगा और ना सिर्फ खुद को बल्कि वो अमेरिका की मदद करेगा। क्यों? बड़ा सवाल है, अमेरिका क्यों अपनी टेक्निक देना चाहता है? अमेरिका को भारत के अंदर उज्जवल भविष्य दिखता है, अमेरिका को भारत के अंदर ताकत नजर आती है और वो चाहता है कि वो अकेला चाइना से नहीं लड़ सकता, इसमें उसको जरूरत है भारत की, उसमें जरूरत है। खास तौर पे एक सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेटेजिक जो जीत विन सिचुएशन जो अमेरिका अपनी मान रहा है, वो ये है कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं डिफेंस के चलते, क्रूड ऑयल के चलते, अमेरिका ये चाहता है कि रशिया के साथ दूरी हो उसकी। अगर डिफेंस के चलते भारत को रशिया से संबंध बनाने पड़ रहे हैं तो अमेरिका अपनी टेक्निक तक को देने के लिए तैयार है। ऐसे में अमेरिका अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हमने भारतीयों से बात की, यहाँ पर हमने एक्सपर्ट से बात की, तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये सिर्फ भारत के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन अमेरिका के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिका जितना ही फायदा भारत के लिए है उतना फायदा अमेरिका के लिए है, स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए तो। एक रोबस्ट इस तरीके की चीजें कि हम कैसे साथ कर सकते हैं, देखिए खूबसूरत तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इस बीच में कि कितना फायदा भारत और कितना फायदा अमेरिका को हो रहा है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए खास तौर पे कि गर्वे हो रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। और देखिए आप एज, एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर है, तो महिलाएं भी यहाँ पर हैं, एक बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर हैं। और देखिए गार्वी गुजरात के नारे लग रहे हैं बात से, क्योंकि आज ये जो पूरा कार्यक्रम है वो बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। ये दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए वो तमाम भारतवंशी जिनके चेहरे पर वो खुशी आप देख सकते हैं, खुशी है अपने बीच अपने नेता को पा करके। ये देखिए उनका रिएक्शन क्या कुछ। मेरा नाम दीपिका सांधी गुप्ता है और आई डू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु हेयर। सी दिस विजिट इज रियली बिग फॉर ऑल द इंडियंस because a nation is like a family and the prime minister is head of the family and we are blessed to have him as the prime minister because being
के लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं अपने नेता को अपने बीच में पाकर के। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार बनी हुई है और हर एक जानकारी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। अदिति, वहां पर इस वक्त लोगों का तो जोश बहुत हाई है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। भगवान ने स्पेशल उनको स्पेशल बनाया है। वो एक संत, एक बहुत बड़े महा अवतार हैं मोदी जी, बाबा जी हैं। उसी इस शक्ति के साथ माता शिव जी भगवान सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। हाँ। इस तरह का एक्साइटमेंट आपको शायद कभी किसी और के लिए देखने को मिल नहीं सकता। मोदी जी की हमने हिस्ट्री उनका पूरी जीवनी पढ़ी है और हम उनको हमेशा देखते हैं। वो रियल में संत हैं, उनको दुनिया का भला करना है और भगवान उनके हाथ से बहुत भला करा रहे हैं, करोड़ों का भला करा है और उनको भगवान शक्ति दे। हम उनको देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी ओरा में रहेंगे थोड़ी देर। तो अभी जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या अगर मुलाकात हुई तो क्या कोई बात? मुलाकात होगी, अगर बात होगी तो पहली बात तो सोचेंगे कि मुंह से शब्द निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पर लेकिन मैं उनको दिल से धन्यवाद देंगे कि जो भारत के लिए कर रहे हैं। आज हमें सब जगह कहने में गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, चाहे बिजनेस हो चाहे कोविड में उन्होंने किया हो। तो वो जो गर्व है, जो वो जो फीलिंग है भारतीय होने की एज ए NRI, वो उसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद देंगे और भगवान उनको इतनी लंबी उम्र इतनी सामर्थ्य दे कि वो भारत को फिर से विश्वगुरु बनाए। और लाइक वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने नारा दिया है वो हम सब उनके साथ साथ हैं, उनके वो फॉलो कर रहे हैं और एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। और आपके माध्यम से मैं भारत की जनता से अपील करूंगी कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं, प्लीज क्षेत्रवाद जातिवाद से उठ के अच्छे लोगों को चुनिए, वोट देने निकलिए और एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ऐसी लीडरशिप बहुत बहुत सालों में आती है, उसको मत गंवाइए मौका। हमारे दर्शक, क्योंकि आपने उनसे अपील कर दी है, अब आपकी बात तो तब मानेंगे जब एक छोटा सा गरबा आप यहाँ पर करके दिखाएंगे हमें। बिल्कुल, आप भंगड़ा बोलिए, गरबा आपको जो अच्छा लगे आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर सच में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना है तो ये तस्वीरें आप देखिए। इन्होंने अभी अपील की है कि 2024 में मोदी को जिता के लाएं। तो अभी अभी बिल्कुल, तो आप देखें कि किस तरीके से यहाँ एक बार भारत 24 की अपील पे गरबा हो रहा है। ये देखिए, इस तरह का एक्साइटमेंट आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा, अमेरिका है ये, आपको लग रहा होगा कि गुजरात के किसी गली में है। ये एक्साइटमेंट अमेरिका न्यूयॉर्क में हो रहा है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट। लू लाओ जो 500 पारी पानना बीना एलसी दाना राईना दाना होके पहलो अहमदाबाद नू हलवो लाव जो रे ओ मोदी जी। ओ तमे एक बार आपको पंजाब की मक्की रोटी साग खिलाव जो रे आव जो रे मोदी जी। वाला वाला मोदी, वाला वाला मोदी, घर घर मोदी, हर हर 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 मोदी। देखिए, एक बार फिर आपको बता दूं कि आप ये कोई पंजाब की गलियों में गुजरात की गलियों में नहीं है, हम न्यूयॉर्क में मौजूद है, हम अमेरिका में मौजूद है और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। और उस बात का एक्साइटमेंट आपने इनकी बातों में सुना, इनके जोश में सुना, इनके गाने में सुना, इनके गरबे में सुना है। आप देखें कि किस तरीके का माहौल है। एक बार फिर आपको बता दें कि कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे हैं। यहाँ पर कोई अपील कर रहा है कि आप दोबारा वोट करें और दोबारा प्रधानमंत्री आए। देखिए, कभी ऐसा होता नहीं है, कहा जा रहा है कि कोई संत है, कोई महात्मा है, भला करने के लिए आए हैं, हमने उनकी इतिहास पढ़ा है। इस तरह का एक्साइटमेंट लोगों का शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बार फिर आपको अपडेट दे दें, ये जो इलाका है यहाँ पर वो जो एंट्रेंस है, यहाँ लिखा है द न्यूयॉर्क पैलेस, लौटे न्यूयॉर्क पैलेस यहाँ पर लिखा है। यहीं पर ठीक वही जगह है जहाँ पर प्राइड का फ्लैग है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर सर, क्या रहेगा कार्यक्रम?
जहाँ तक हमें मालूम चला उन्होंने कहा कि नीचे कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद वो आगे मीट एंड ग्रीट करेंगे, देन ही इज गोइंग टू मीट द जनरल पब्लिक हियर, और उसके बाद उनका यूएन में प्रोग्राम है, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर जो हमें मालूम है ये कार्यक्रम जो मीट एंड ग्रीट का है, आप आ सकते हैं, सुधान ढंग से बात कर ले, मीट एंड ग्रीट का कार्यक्रम इसी होटल में होने वाला है। हाँ, एक तो ये बाहर है मीट एंड ग्रीट है, और कुछ अंदर जाके भी ये मीट एंड ग्रीट करेंगे कुछ स्पेसिफिक लोगों को, मे बी द पीपल हु आर लिंक विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल दोस्ट, तो वो हमें अभी तक पता चला। मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता रहेगा, मिलने जुलने का कार्यक्रम, आप उनका स्वागत करने आए हैं? हाँ जी, हम तो हमेशा आते हैं, पिछले साल भी आए थे, 2015 छोड़ के हमेशा ही आते हैं। 19 में हम हॉडी मोडी के लिए गए थे, 21 में आए थे, 22 में आए थे, ये 23 है, तो मेरे ख्याल में 5-6 विजिट तो मैं आया ही हूँ। बिल्कुल, तो ये कट्टर समर्थक जिसे कहते हैं उसकी तरह, जब समर्थक नहीं है, हम अपनी कंट्री को फेवर करने आते हैं। हम सही बोल रहे हैं। हाँ, हम कंट्री हैं, देखिए हिंदुस्तान, इंडियन, अमेरिकन, अगर इनमें रिलेशन अच्छा होगा हमारे यहाँ पर वैल्यू अच्छी होगी। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर भारत परचम लहरा रहा है तो वो आपकी यहाँ पर जो है वो आपकी वैल्यू होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये सब हो रहा है जैसा आपने सुबह भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की वजह से। यही वजह है कि आज अमेरिका एक टेबल पे साथ बैठकर डिफेंस की बात कर रहा है, यही वजह है कि आज एक टेबल पे बैठकर वो अपनी डिफेंस पॉलिसी से लेकर अपने टेक्निक्स को साझा कर रहा है, नहीं तो अमेरिका कभी ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अपनी कोई भी ताकत शेयर कर। इवन आप देखिए, नेटो को बने 70 साल हो गए हैं, और नेटो के की अलाइज यूके, जापान, सॉरी यूके, फ्रांस और इटली हैं, अगर आप देखा जाए, क्योंकि दो सा द मेन इकोनॉमिक हब ऑफ द यूरोप, उनके साथ भी आज तक ये डील्स नहीं हुई हैं। कैन यू सी द चेंज इन द है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आज इतना प्यार मिल रहा है उसके पीछे की। और मैं एक बात यहाँ आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत खास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उतरते हुए विमान से देखिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मेरे सहयोगी आदिति नागर भी लगातार लोगों से बातचीत कर रही है, वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, लेकिन इस दौरे का इंतजार लोग कर रहे थे, और देखिए पहले स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री का ये विजिट बहुत ज्यादा खास हो जाता है, तमाम लोग उनका इंतजार यहां पर करते हुए, लेकिन ये तस्वीरें जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, 3 दिन का ये दौरा, 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक नई इबारत लिखने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मर्तबा गए, ये 8वां दौरा है, लेकिन बतौर राजकीय अतिथि पहली बार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, और यकीन मानिए कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो इससे और भी ज्यादा मजबूत होंगे, और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, और जो दुश्मन मुल्क हैं, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, उसको एक मैसेज भी यहां पर जाएगा, एक स्ट्रांग मैसेज भी जाएगा, क्योंकि बार बार लगातार उस डील का जिक्र हो रहा है जो कि इस दौरान, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में साइन होने वाला है। भारतीय समुदाय का एयरपोर्ट पर इस वक्त हुजूम देखने को मिल रहा है, और हर कोई बस इस बात का इंतजार करता हुआ कि कब अपने नेता की एक झलक वो पा सके। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं भारतवंशी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचते हैं, और जब भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरीके से मजबूत होंगे, जाहिर तौर पर जो भारतवंशी वहां पर रहते हैं, जो वहां पर कार्य करते हैं, उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सहूलियत, काफी ज्यादा राहत मिलेगी, काफी ज्यादा सहायता मिलेगी, जिसका जिक्र लगातार वो लोग कर रहे हैं जिनसे हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर बात कर रही थी। लेकिन ये तस्वीरें 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम इस पूरे 3 दिन उनका रहने वाला है। आपको ये बताते चले कि उनका ये दौरा बेहद खास होगा। आज न्यूयॉर्क वो पहुंचे हैं, और यहां पर अमेरिकियों का एक जो समूह है, जो भारत अमेरिकियों का समूह है, वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब अदिति नागर भी, क्योंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री की वो झलक भी, जिसका लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो देख पाए प्रधानमंत्री की वो झलक भी तस्वीरों के जरिए सामने आ चुकी है। आप देखिए, मैं बिल्कुल वो तस्वीर भी कुछ ही देर में हम आपके साथ सबसे पहले साझा करेंगे। आप देखिए वहां पर कितने बुजुर्ग आए हैं, मैं आपको लेके वहां पर चलना चाहती हूँ कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग सेक्शन से तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करने आ रहे हैं, यहाँ पर उनका स्वागत करने आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरीके की जो है स्वागत के कार्यक्रम अलग अलग स्तर पे हो रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि आप कुछ देर पहले ये बताया गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे,
पहुंचने के बाद उनका स्वागत पहले तो एयरपोर्ट पे हो रहा है, फिर वो रास्ते में होंगे, यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उनका मीट एंड ग्रीट का कार्यक्रम है। मीट एंड ग्रीट के इस कार्यक्रम में वो पहले जो अंदर लोग आए हुए उनसे मुलाकात करेंगे, फिर वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां पर वो कई लोगों से बातचीत करेंगे, स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद सड़कों पे भी, ऐसा नहीं है क्योंकि हर किसी को तो यहाँ पर बुलाया नहीं गया है इस होटल में, तो सड़कों पे भी लोग बस उस गाड़ी की झलक, उनकी झलक देखने के लिए आज बाहर निकले हैं कि हमें कैसे भी उनकी झलक दिख जाए। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो, क्योंकि यहाँ पर अभी समय जो है वो 1:15 हो रहा है, यानी 1:15 यहाँ पर हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर थोड़ी देर वो शाम को ये भी बताया जा रहा है कि यूएन ऑफिस जा सकते हैं, वहां पर भी कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं न्यूयॉर्क के, क्योंकि वो वाशिंगटन डीसी भी जब पहुंचेंगे वहां पे एक अलग कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ पर जितने मैक्सिमम लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। हम कुछ लोगों से आपको और बातचीत कराने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिलने आए हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने आए हैं, स्वागत करने आए हैं? स्वागत करने आए क्योंकि देखा प्राउड है, इज प्राउड ऑफ द वर्ल्ड नाउ, मोदी इमेज चेंज ऑफ इंडिया चेंज। कांग्रेस ने जो किया वो किया अपने के लिए, क्या है अपने के लिए क्या है, वो भ्रष्टाचार किया है। मोदी ने जो 9 साल में किया कांग्रेस सीते सामने कभी नहीं किया। और ये पटेल भाई कुछ दिनों पहले राहुल गांधी आए थे, आप तब आए थे स्वागत करने? राहुल गांधी अपने वो कांग्रेस वो गांधी रिएक्शन निकल दे तो उसको कोई क्लार्क भी जॉब न दे, उसके लायकात ऐसी है ना कि वो राहुल गांधी वो नाम सरनेम चलता है, सरनेम के अपनी पोतानी कोई नहीं है उसकी। मैं तुम देखो बोलता है उसका क्या बोलता है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री मालूम नहीं उसको, उसका वर्ल्ड की हिस्ट्री मालूम नहीं, उसने हिस्ट्री कोई मालूम नहीं, वो जो बकता है उसको तो लिखा हुआ बोलता है बोलता है। पटेल भाई आप यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। आप यहाँ पर 46 साल से हम इधर हूँ। पर आप प्रधानमंत्री मोदी पहले भी यहाँ पर आए हैं, उनसे मुलाकात हुई है कभी? पहले वो मेरा सन है, उसको मिला है बार बार मिला। बिल्कुल आप पटेल भाई आप प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए, बात करने आए और इंडिया के लिए? तो पिछले साल भी मिले थे, पिछले साल भी मिले थे और इस साल भी मिलने के लिए आए, और बहुत बड़ा भाव मोदी जो कर रहा है वो अपने देश के लिए और वर्ल्ड के लिए जो कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया कर रहा है। आप अमेरिका रहते हैं तो बहुत लंबे समय से, तो आपको कुछ बदलाव लगा जब नरेंद्र मोदी गुजरात से इंडिया आए, गुजरात से दिल्ली पहुंचे, तो उसके बाद आपको कुछ अमेरिका में खुद के लिए बदलाव लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा है, जब भी इंडिया भी जाओ कोई भी वीजा के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, और इधर भी इंडियन पीपल के लिए बहुत बढ़िया किया है सब कुछ, के एनआरए के लिए और सबके लिए मोदी ने जो किया है उसने कोई नहीं सकता। अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर आया उसने कुछ भी नहीं किया है, जो किया मोदी ने वो वर्ल्ड में नंबर 1 किया है, और मोदी के लिए जो है मोदी है तो मुमकिन है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बताइए बताइए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कभी मिले हैं? नहीं पहले नहीं मिले थे, लेकिन अब उसका जब नाम रोशन हो गया है सारा वर्ल्ड में तो अभी हमको बहुत खुशी होती है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी कभी आया नहीं इंडिया में, उसे जो किया सब लोग तमाम कैसे तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं। हम कुछ देर बाद एक तस्वीर बहुत यहाँ पर दिख रही है उससे भी आपसे बातचीत कराएंगे, लगातार मीडिया वाले उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखिए तस्वीर क्या कहती है। तस्वीर कहती है 2014 से पीएम मोदी जब से पीएम बने तब से मेरे काका ने विष्णु भाई पटेल ने ये प्लेट रखी हुई है। अच्छा, गाड़ी बदल जाती है लेकिन प्लेट नहीं बदलती। अच्छा तो आपने यहाँ पे नंबर प्लेट ही मोदी पीएम ये करा हुआ? हाँ, 2014 से है। तो गाड़ियाँ बदलती है नंबर प्लेट नहीं बदलती? मर्सिडीज बदली जाती है हर 2 साल बाद लेकिन प्लेट नहीं बदलती। प्यार करने का जो इजहार करने के तरीके आप देखिए अनोखा, कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तमाम तरीके की चीजें, लेकिन ये क्या अनोखा प्रेम है कि गाड़ियां बदलती हैं लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट मोदी पीएम लिखा है, तो गाड़ियां आपकी गाड़ी है ये? हाँ। तो ये ऐसा क्यों? बिकॉज आई लाइक हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, दैट्स व्हाई व्हेन ही लेफ्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर अगस्त 2014 हमने ये नंबर प्लेट रखी है। गाड़ी बदलता है मगर प्लेट नहीं बदलता। 2014 में पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 आते आते ऐसे इतने लोकप्रिय हो जाएंगे, आपको 14 में पता? अरे भाई हमको तो पता चल गया उसी वक्त, तो हमने वो रजिस्टर करवा लिया, तो अभी भी मेरी गाड़ी है, गाड़ी बदलता है
मगर नंबर प्लेट कभी नहीं। आपका नाम? विष्णु भाई पटेल। ये विष्णु भाई पटेल का जो इजहार और प्यार करने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अलग है विष्णु भाई पटेल का। क्योंकि देखिए आप, ये भी एक तरीका है कि आप गाड़ियां बदल जाती हैं, गाड़ियां रखते हैं, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट मोदी और पीएम के नाम से, यानी 2014 से लेकर आज 2023 हो गया है अगस्त से, यही गाड़ी नंबर प्लेट है। तो हम आपको अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई गरबा कर रहा है, यहाँ कोई तैयार होके आया है, कोई गुलाब लेकर आया है, कोई तिरंगे का लड्डू लेकर आया है, कोई मठरी लेकर आया है, कोई थेपला लेकर आया है। हो सकता है, पता है सिक्योरिटी के लिहाज से कोई किसी को कुछ खिला नहीं पाएगा, प्रधानमंत्री मोदी तक शायद वो नहीं पहुंच पाए, पर ये श्रद्धा है कि वो घर में बनाकर लाए हैं, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। और ये एक तरीका है जब आप स्वागत सत्कार प्यार बौछार होती है, प्यार करते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि आपके घर में कोई आता है तो आप पकवान बनाते हैं, तैयारियां करते हैं, जश्न मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। कोई उन्हें स्पिरिचुअल लीडर कह रहा है, कोई उन्हें संत कह रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। कोई यहाँ पर, मैं अपने भारत 24 पे ही ये कह रहा था कि हम अपील करते हैं जो वोटर्स हैं भारत में कि आप प्रधानमंत्री को दोबारा यानी तिवारा प्रधानमंत्री बनाकर भेजें। तो ये एक तरीके हैं यहाँ पर अनोखे अंदाज के, लगातार यहाँ पर इंतजार चल रहा है। देखिए ये एक बार फिर आपको बताऊं कि यही वो जगह है जहाँ पर कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। देखिए ये जो सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजार उनके स्वागत का, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे पूरा प्रोटोकॉल तैयार एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक। और देखिए कितनी खूबसूरत, इस बीच में आपको दिखा देते हैं कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि देखिए ये चर्च है पीछे, वीवीआईपी इलाका है, खूबसूरत इमारतें हैं और इसी वीवीआई। चलिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ट और इसके अलावा यूएन में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उनका उन्हें रिसीव किया। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच वहां पर जो भारत वंशी है जो कि कई घंटों से वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए। और जैसे कि अदिति हमें बता रही थी कि हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है। और अदिति आप क्योंकि वहीं पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे, मानो कोई त्यौहार हो उन लोगों के लिए, वो भारत वंशी जो कि सालों से वहां पर रह रहे हैं और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए वो वहां पर घंटों से मौजूद हैं कि एक बार वो अपने नेता को देख लें। अदिति, मैं पिछले 3 दिन से न्यूयॉर्क के वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ पैदल घूम चुकी हूं और जहां मुझे कोई भारतीय मिलता है या जहां मुझे कोई अमेरिकन दिखता है और मुझे इस बूम के साथ देखता है, उसका एक ही सवाल है कि कब देखेंगे प्रधानमंत्री को, कब हम देख पाएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसे परिवार भी मिले जिन्होंने कहा कि हम लंदन रहते हैं और हम 4 दिन के लिए आए हैं न्यूयॉर्क, क्यों आए हैं कि हमको देखने को मिल जाए, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। इस तरह का पागलपन, इस तरह का इश्क, इस तरह की शिद्दत, इस तरह की इबादत यहाँ देखने को मिल रही है जो कि मामूली बात नहीं नजर आ रही। और ये मेरे खुद के आंखों और कानों से सुना देखा समझा बात है। मैंने ये पूछा कि कोई तो कमी होगी, कोई तो चीज है जो अभी अधूरी रह गई होगी, मैंने ये भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अधूरा बस यही है कि 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बना के लाना है। और ये सब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, इसीलिए आपको मैं इस तरह से ये बात बता रही हूँ। एक बार फिर आपको बताऊं कि हलचल लगातार है यहाँ पर, गरबे हो रहे हैं, सिक्योरिटी के चलते जो लोग अंदर है वो अंदर ही है, अंदर काफी जिन लोगों को इन्वाइट किया गया है उनके स्वागत के लिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखिए आज तो क्या है कि सारे जो भारतीय हैं न्यूयॉर्क के यहाँ पर